Hello students of class 4. Today I am going to teach you English first. Hello English reader. Chapter number 1 we have already done. Today we will start new chapter, chapter number 2, the farmer's riddle. Page number 14. In this chapter we shall read how a farmer used his wittiness and got a reward. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक किसान ने अपनी बुद्धिमानी से इनाम जीता, मतलब कैसे उसने अपनी बुद्धिमानी यूज की और उसे रिवॉर्ड मिला. A long time ago, there was a farmer who lived somewhere in Baghdad. He was not very rich, but he was very wise. One day when he was plowing the field, the king passed that way. The farmer bore him with great respect. The king stopped him and asked the farmer, "How much money do you earn daily?" The farmer replied that he earned only 4 shillings a day. "What do you do with them?" asked the king. A long time ago, बहुत पहले की बात है, एक किसान रहता था जो बगदाद में कहीं पर रहता था. वो बहुत अमीर नहीं था बट बुद्धिमान था, मीन्स he was very wise, वो बुद्धिमान था. One day when he was plowing the field, एक दिन जब वो field plow कर रहा था तो वहाँ से एक राजा गुजर रहा था. किसान ने झुककर उसको आदर दिखाया. राजा वहीं पर रुक गया और उसने उस किसान से पूछा कि तुम डेली कितना कमा लेते हो. तो फार्मर ने बोला कि वो डेली 4 शिलिंग्स कमाता है. शिलिंग्स सिक्के को बोलते हैं जो बहुत सालों पहले यूज हुआ करते थे. तो फिर राजा ने उससे पूछा, जब किसान ने उससे कहा कि वो एक दिन में 4 शिलिंग्स यानी 4 सिक्के कमाता है, तो राजा ने उससे पूछा कि तुम उनका क्या करते हो. योर मेजेस्टी, द फार्मर रिप्लाइड, आई ईट द 1st shilling, आई लेंड द 2nd, द 3rd आई पे बैक एंड द 4th आई थ्रो अवे. तो उसने कहा कि योर मेजेस्टी, पहला सिक्का मैं खा जाता हूँ, दूसरा मैं दे देता हूँ, तीसरा मैं पे बैक करता हूँ, मतलब मैंने जिससे लिया है मैं उसको देता हूँ, और चौथा यानी 4th one मैं फेंक देता हूँ. द किंग डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द फार्मर मेंट, सो ही सेड टू हिम, आई डू नॉट गेट योर मीनिंग, डिस्क्राइब मी व्हाट यू वॉन्ट टू से. तो राजा ने कहा, द किंग डिडंट, तो राजा, जो फार्मर ने यानी जो उस किसान ने कहा था वो राजा के समझ में नहीं आया. तो राजा ने उससे कहा, आई डू नॉट गेट योर मीनिंग, मुझे तुम्हारा कहने का मतलब समझ में नहीं आया, क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो यानी डिस्क्राइब कर सकते हो कि तुमने क्या कहा. द फार्मर रिप्लाइड, योर मजेस्टी, विद द 1st shilling आई फीड माई सेल्फ एंड माई वाइफ. In this way, I eat the 1st shilling. With the 2nd shilling, I feed my children. When I grow old and weak, I will not be able to work. My children will then pay me back by looking after me. In this way, I lend my 2nd shilling, which I'll get back in my old age. With the 3rd shilling, I feed my old parents who look after me when I was a child. By looking after them now in their old age, I am simply paying back my debt. So I can say that I pay back the 3rd shilling. I spend the 4 shilling on feeding the poor. I don't spend it for any profit. So I can say that I throw away the 4th shilling. राजा ने जब उससे बोला कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने क्या कहा, तब किसान ने उसको बोला कि योर मेजेस्टी, विद द 1st shilling, जो पहला सिक्का है उससे मैं खाता हूँ और अपनी वाइफ.
सेकंड शिविंग की बात मैंने की, जो मैंने कहा था कि मैं देता हूँ, आई लेंड द सेकंड, मतलब लेंड यानी उधार देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि विद द सेकंड शिलिंग यानी दूसरे सिक्के से मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ। व्हेन आई ग्रो ओल्ड एंड वीक, जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊँगा, जब मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे बच्चे मुझे वो वापस करेंगे उसी शिलिंग के थ्रू यानी उसी सिक्के के थ्रू। माई चिल्ड्रेन विल पे मी बैक बाय लुकिंग आफ्टर मी, मतलब मेरी देखभाल मेरे बच्चे वापस मेरी करेंगे। इस तरह से मैं दूसरी शिलिंग लेंड करता हूँ यानी कि उधार में देता हूँ, जो मेरे बूढ़े एज में यानी जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब मुझे वो वापस मिलेगा। विद द थर्ड शिलिंग, थर्ड शिलिंग जो मैंने कहा कि मैं वापस देता हूँ, आई पे बैक, इसका मतलब आई फीड माई ओल्ड पेरेंट्स, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ जो मेरी देखभाल करते थे जब मैं बच्चा था, और अब मैं उनकी देखभाल करके उनके इस उम्र में यानी इस बूढ़ी एज में मैं सिंपली उनका जो कर्ज है वो मैं चुका रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं थर्ड शिलिंग पे बैक कर रहा हूँ यानी उन्हें वापस कर रहा हूँ। आई स्पेंड द फोर्थ शिलिंग, और चौथा सिक्का मैं गरीब को खाना खिलाने, मैं गरीबों को खिलाने में स्पेंड करता हूँ यानी खर्च करता हूँ, उसमें मेरा कोई प्रॉफिट यानी कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए मैं चौथे सिक्के के लिए ये कह सकता हूँ कि मैं उसको फेंक देता हूँ। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड टू हियर द आंसर ऑफ द फार्मर दैट वॉज फुल ऑफ विजडम, ही गेव द फार्मर सम गोल्ड कॉइंस एंड सेड, प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट टेल दिस आंसर टू एनी वन अंटिल यू हैव सीन माई फेस 100 टाइम्स। Your Majesty, said the farmer respectfully, I promise that I shall do as you say. राजा उस किसान का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। He gave the farmer some gold coins. उसने उस किसान को कुछ gold coins दिए, कुछ सोने के सिक्के दिए और उससे कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये आंसर तक, ये जवाब तब तक किसी को नहीं बताओगे जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार यानी 100 times नहीं देख लेते। योर मैजेस्टी, फार्मर ने कहा, योर मैजेस्टी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ यानी मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। देन द किंग वेंट अवे एंड द फार्मर स्टार्टेड प्लाइंग हिज फील्ड अगेन। वन डे द किंग वॉज सिटिंग विथ हिज ministers, he asked such riddle to them. All the minister thought, but none could find any answer. तब फिर राजा वहाँ से चला जाता है और किसान फिर से अपनी फील्ड को प्लाव यानी खुदाई जुताई करने लगता है। One day the king was sitting, एक बार राजा अपने ministers के साथ बैठा हुआ था और उसने ऐसे ही कुछ riddle यानी puzzle उनसे पूछे। तो मिनिस्टर, वो सारे मिनिस्टर बहुत सोचे लेकिन उनमें से किसी को आंसर नहीं मिला। नाउ वन ऑफ द मिनिस्टर्स न्यू दैट द किंग हैड टॉक्ड टू अ फार्मर द प्रीवियस डे, ही वेंट टू द फार्मर एंड सेड प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व अ रिडल। द मिनिस्टर टोल्ड द रिडल टू द फार्मर। आई एम सॉरी सर, सेड द फार्मर, I can't tell you the answer of this riddle until I have seen the king's face 100 times. उसमें से एक मिनिस्टर को पता था कि राजा ने किसी किसान से कुछ दिन पहले बात की थी। वो उस फार्मर यानी उस किसान के पास गया और बोला कि प्लीज़ मेरी रिडल सॉल्व करने में यानी पजल सॉल्व करने में मेरी हेल्प करो। राजा ने उस किसान को वो पजल यानी रिडल बताया तो फार्मर ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, लेकिन मैं आपको इसका आंसर नहीं बता सकता जब तक कि मैं राजा का चेहरा 100 times ना देख लूँ यानी 100 बार मैं राजा का चेहरा ना देख लूँ, क्योंकि मैंने राजा से प्रॉमिस किया है। किसान ने राजा से क्या प्रॉमिस किया था कि जब तक वो उनका चेहरा 100 times नहीं देख लेता है वो इसका आंसर किसी को नहीं बताएगा।
अंडरस्टूड अप टू हियर द स्टोरी द फार्मर्स एंड द रिडल. एट योर होम रीड द स्टोरी अगेन, वॉच द वीडियो एंड डू इट एज इट इज सेड, मीन्स रीड द स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. Next, which is left here, some linings of this chapter and the exercises we will do in the next video.